Hi everyone, this is me Jolly Yadav. Welcome back to our channel Reality 360 Degree. And आज मैं आप सभी को लेकर आई हूँ LS24 गाजियाबाद में हमारे newly launched project पर. आज का जो project है, it's a very beautiful project. इसके अगर मैं concept की बात करूँ तो ये आपका राजस्थानी fort look के साथ develop किया जा रहा है. यानी कि हमारे Indian culture and modernity दोनों को combine करके इस project को develop किया जा रहा है. यहाँ पे बहुत सारी exclusive amenities भी हैं. इट्स अ प्रीमियम सेगमेंट प्रोजेक्ट. सो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ इस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाली हूँ. यहाँ पे क्या प्राइस है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट प्राइस क्या है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे. एंड द नेम ऑफ आवर प्रोजेक्ट दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे इज VVIP नमहा, दैट इज लोकेटेड ऑन NH24 गाजियाबाद. की लोकेशन एंड कनेक्टिविटी समझ लेते हैं. तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि प्रोजेक्ट NH24 पर लोकेटेड है एंड टू बी प्रिसाइज ये आपका आदित्य वर्ल्ड सिटी के अंदर लोकेटेड है. यहाँ से आपको कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा अच्छी मिल जाती है. NH24 हार्डली यहाँ से आपका 100 मीटर्स के डिस्टेंस पर है, यानी कि वॉकिंग डिस्टेंस पर आपको NH24 मिल जाता है, जहाँ से आपको दिल्ली तरफ की कनेक्टिविटी मिल जाती है, साथ ही साथ आगरा एंड मेरठ तरफ की भी कनेक्टिविटी मिल जाती है. उसके अलावा अगर मैं रेलवे स्टेशन की बात करूं तो गाजियाबाद रेलवे स्टेशन यहां से आपका हार्डली 10 से 15 मिनट के ड्राइविंग डिस्टेंस पर है. उसके साथ साथ आपका नोएडा की अगर मैं बात करूं तो नोएडा सेक्टर 62 आपका यहां से अराउंड 15 मिनट्स के ड्राइविंग डिस्टेंस पर है. एंड उसके अलावा दिल्ली की बात करें तो दिल्ली यहाँ से हार्डली 20 मिनट के ड्राइविंग डिस्टेंस पर रहेगा. गाजियाबाद RTC यहाँ से आपका अराउंड 5 मिनट के ड्राइविंग डिस्टेंस पर रहेगा, जहाँ पर आपको कई सारे मॉल्स मिल जाते हैं. अगर मैं हॉस्पिटल की बात करूं तो यहां से आपका हार्डली 500 मीटर पर मणिपाल हॉस्पिटल भी है. उसके साथ साथ यहां पर प्रोजेक्ट में आपको बिल्कुल ही नजदीक स्कूल भी मिल जाता है, सेंट जेवियर्स यहां पर नजदीक है. उसके साथ साथ KVS इंजीनियरिंग कॉलेज दैट इज अराउंड 5 to 10 मिनट्स अवे फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट. यानी कि लोकेशन कनेक्टिविटी इस प्रोजेक्ट की बहुत ही ज्यादा अच्छी है. एंड आप देखिए मैं फिलहाल प्रोजेक्ट की साइट पर, पीछे आप देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी शुरू हो चुकी है. माइवान फ्रेमवर्क पे ये प्रोजेक्ट बन रहा है. और अगर इसकी पोजेशन की हम बात करें तो ये आपका प्रोजेक्ट 2025 तक कम्प्लीटली डिलीवर हो जाएगा. गाइस, VVIP नमहा इज अ लग्जरी सेगमेंट प्रोजेक्ट एंड NH24 का सबसे प्रीमियम प्रोजेक्ट है. अगर मैं इस प्रोजेक्ट के टोटल लैंड पैच की बात करूँ तो ये प्रोजेक्ट आपका 2.75 एकर्स के लैंड पैच में बन रहा है. यहाँ पर आपकी एक एंट्री एग्जिट गेट रहेगी, जहाँ पर आपको मल्टी लेवल सिक्योरिटी भी मिल रही है. यहाँ पर आपके 3 टावर्स रहेंगे G+23 टावर हाइट के साथ. साथ ही साथ बेसमेंट में आपकी पार्किंग रहेगी. एंट्री जैसे ही आप करेंगे सीधा आपके बेसमेंट में आप पार्किंग आ जाएगी. एंड ग्राउंड फ्लोर पर व्हीकल मूवमेंट अलाउड नहीं है. उसके साथ साथ यहाँ पर आपको टेरेस एरिया पूरा डेवलप करके दिया जा रहा है. अमेनिटीज में आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगी, पहले हम यहाँ के आर्किटेक्चर को डिस्कस कर लेते हैं. तो जैसे कि मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में बताया था कि ये जो प्रोजेक्ट है ये आपका राजस्थानी फोर्ट लुक के साथ बन रहा है. तो मतलब यहाँ के जो टावर्स बनेंगे वो उनमें ऐसा लुक आएगा कि जैसे वो एक फोर्ट है. तो बेसिकली यहाँ पर आपके इंडियन कल्चर को एंड साथ ही साथ मॉडर्न कल्चर को दोनों को कंबाइन करके इस प्रोजेक्ट को डेवलप किया जा रहा है. यहाँ पे जो टावर्स रहेंगे वो आपके डोम स्ट्रक्चर से बनेंगे, साथ ही साथ बालकनीज में भी आपके डोम स्ट्रक्चर्स रहेंगे. एंड जगह जगह पे यहाँ पर आपके सिटिंग एरियाज रहेंगे, वो भी सब आपके डोम स्ट्रक्चर के साथ रहेंगे. इस प्रोजेक्ट में आपके 3 and 4 BHK अपार्टमेंट्स की यूनिट्स रहेंगी एंड अपार्टमेंट्स काफी ज्यादा स्पेशियस साइज में आपको मिल रहे हैं. अगर मैं मिनिमम और मैक्सिमम साइज रेंज की बात करूं तो यहां पर आपको 1600 से लेकर 3100 स्क्वायर फीट के साइज रेंज में अपार्टमेंट्स मिल जाएंगे. 3 BHK अपार्टमेंट्स में आपके एक फ्लोर पर 5 अपार्टमेंट रहेंगे विद 2 लिफ्ट्स. एंड जो आपके 4 BHK अपार्टमेंट्स रहेंगे वो एक फ्लोर पर सिर्फ और सिर्फ 2 अपार्टमेंट रहेंगे विद 3 लिफ्ट्स. साथ ही साथ आपके यहाँ पर टोटल अपार्टमेंट्स की जो यूनिट्स है वो रहेंगी आपकी 293 यूनिट्स. एंड यहाँ पर आपके जो टावर्स रहेंगे सभी के सभी आपके इंडिपेंडेंट टावर्स रहेंगे, जिनमें की आपको डबल हाइट एंट्रेंस लॉबी एरिया मिल रहा है, जहाँ पर रिसेप्शन एरिया रहेगा एंड आपके लिए सिक्योरिटी रहेगी 24/7 सिक्योरिटी जहाँ पर प्रेजेंट रहेगी. उसके साथ साथ कोई भी टावर एक दूसरे को फेस नहीं करेंगे, सभी के सभी आपके या तो जो टावर्स हैं या तो वो अथॉरिटी के पार्क को फेस करेंगे, या वो आपके स्विमिंग पूल को फेस करेंगे, या तो वो आपका रोड फेसिंग रहेगा. जैसे कि फिलहाल मैं अथॉरिटी के पार्क में खड़ी हूँ एंड ये प्रोजेक्ट के बिल्कुल सामने है. तो एक टावर आपका अथॉरिटी के पार्क को फेस करेगा एंड ये आप अथॉरिटी का पार्क में देखिए पूरा डेवलप कर दिया गया है. दैट मीन्स आपको यहाँ पर ग्रीन एरिया काफी ज्यादा मिल जाएगा.
आपको प्रोजेक्ट के अंदर भी ग्रीन एरिया मिल रहा है, प्लस प्रोजेक्ट के आपको बाहर भी ग्रीन एरिया मिल जाता है। अगर मैं कमर्शियल एरिया की भी बात करूं यहां पर, तो आपको प्रोजेक्ट में एक कमर्शियल एरिया भी मिलेगा जहां पर आपकी डेली नीड्स का सामान मिल जाएगा। साथ ही साथ आपका बिल्कुल ही नजदीक यहां पर पार्क टाउन एक कमर्शियल है, बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पर है प्रोजेक्ट के, जो कि अभी ऑपरेशनल है, तो वहां पर भी डेली नीड्स का सामान मिल जाएगा। गाइस जब हम प्रोजेक्ट की अमेनिटीज को डिस्कस कर लेते हैं, तो यहां पर अमेनिटीज बहुत सारी आपको मिल रही है, एक्सक्लूसिव अमेनिटीज आपको मिल रही है, जो कि आपको NH24 पर शायद ही कोई प्रोजेक्ट दे रहा होगा। आई डोंट थिंक कोई प्रोजेक्ट यहाँ पर इतनी सारी अमेनिटीज दे रहा है। तो यहाँ पर जो आपका क्लब हाउस रहेगा, तो आपका ग्राउंड एंड फर्स्ट फ्लोर को कंबाइन करके बनाया गया है, एंड ये अराउंड आपके 16,000 स्क्वायर फीट के साइज में रहेगा, जहाँ पर आपके जिमनेजियम रहेगा, जिम रहेगा आपका, इंडोर गेम्स रहेंगे, बैंकेट हॉल रहेगा। यहाँ पर आपको 3 पार्ट्स में बैंकेट हॉल दिया जा रहा है, जहाँ पर आपका फाइन डाइनिंग भी रहेगा। उसके साथ साथ यहाँ पर बहुत ही शानदार स्विमिंग पूल भी मिल रहा है, जहाँ पर आपको वेव इफेक्ट के साथ स्विमिंग पूल मिल रहा है, जिसके नेक्स्ट आपके सिटिंग एरियाज भी रहेंगे। साथ ही साथ वहाँ पर आपके एक ओपन एम्पी थिएटर रहेगा, एंड स्विमिंग पूल के बिल्कुल ही नेक्स्ट आपका जूस कॉर्नर भी रहेगा। उसके साथ साथ प्रोजेक्ट में आपको टावर्स के ऊपर भी, टेरेस एरिया में भी यहाँ पर काफी सारी चीजें मिलती हैं। टेरेस एरिया पूरा आपका डेवलप करके दिया जाएगा, इनफैक्ट तीनों टावर्स आपके इंटरकनेक्टेड रहेंगे, एंड टावर पे भी आपका एक ओपन जिम रहेगा, जॉगिंग ट्रैक रहेंगे, प्लस वहाँ पे डोम्स बने होंगे, तो सिटिंग एरियाज भी वहाँ पर रहेंगे, वहाँ पर आपका बार एरिया रहेगा, एंड उसके साथ साथ किड्स प्ले एरिया रहेंगे। सो काफी सारी चीजें आपको ऊपर टेरेस पे भी मिल जाती है। उसके साथ साथ फिर से अगर हम नीचे के अमेनिटीज की बात करें, तो यहाँ पर आपके आउटडोर गेम्स के लिए भी डेडिकेटेड स्पेस बनाए हुए हैं, जॉगिंग ट्रैक्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, किड्स प्ले एरिया आपका ग्राउंड फ्लोर पर भी रहेगा। सो ओवरऑल आपको यहाँ पर अमेनिटीज बहुत सारी मिल जाती है। So guys, that was all about our today's project, VVIP Nama. It's a premium range project. आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको ये प्रोजेक्ट कैसा लगा, do tell us in the comment box. अगर अब मैं इस प्रोजेक्ट की यूएसपी की बात करूँ, तो ये बहुत ही शानदार प्रोजेक्ट है। यहाँ पर आपको अमेनिटीज बहुत ज्यादा अच्छी मिल रही हैं, प्लस आर्किटेक्चर इस प्रोजेक्ट का बहुत ही ज्यादा अच्छा है एंड डिफरेंट है। ये आर्किटेक्चर कहीं और यूज नहीं किया गया है नोएडा में। एंड उसके अलावा अगर मैं डोर्स की हाइट की बात करूं, तो यहाँ पर आपको 8 feet के डोर्स मिल रहे हैं। सीलिंग हाइट आपको यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छी मिल रही है अपार्टमेंट के अंदर, आपकी 11.5 feet की आपकी रूफ हाइट रहेगी अपार्टमेंट के अंदर। उसके साथ साथ सारे अपार्टमेंट आपके 3 sides ओपन अपार्टमेंट रहेंगे। MY1 फ्रेमवर्क के साथ यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की गई है, दैट मीन्स एक्सलेंस कंस्ट्रक्शन क्वालिटी। लोकेशन एंड कनेक्टिविटी इस प्रोजेक्ट की बहुत ही ज्यादा अच्छी है, एंड ये हम स्टार्टिंग में डिस्कस कर ही चुके हैं। उसके अलावा यहाँ पर इस प्रोजेक्ट में पंचतत्व का बहुत ज्यादा ख्याल रखा गया है। प्रोजेक्ट के अंदर प्रॉपर एयर फ्लो है, 3 sides ओपन अपार्टमेंट्स है, तो अपार्टमेंट्स के अंदर भी प्रॉपर एयर फ्लो रहेगा, वेंटिलेशन रहेगा, लाइट प्रॉपर रहेगी। उसके साथ साथ यहाँ पर वाटर बॉडीज भी काफी ज्यादा बनाई जा रही है, अमेनिटीज बहुत ज्यादा है, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ। सो आपकी इनर हेल्थ एंड आउटर हेल्थ का यहाँ पर प्रॉपर ध्यान रखा जाएगा अगर आप यहाँ पर रहते हैं। उसके साथ अगर मैं मिनिमम इन्वेस्टमेंट प्राइस की बात करूँ, तो यहाँ पर जो स्मॉलेस्ट साइज है, उसका मिनिमम इन्वेस्टमेंट प्राइस रहेगा 1 crore ओनली, बट प्राइस बहुत जल्दी रिवाइज भी हो जाएंगे। तो अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप अभी इन्वेस्ट कर लीजिए, क्योंकि आगे कुछ टाइम में यहाँ पे प्राइस रिवाइज भी हो जाएंगे। एंड उसके अलावा गाइज, ओवरऑल ये काफी अच्छा प्रोजेक्ट है। NH24 पर आपको प्रीमियम रेंज में कोई और दूसरा प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा है, सो इट्स दी फर्स्ट प्रीमियम प्रोजेक्ट ऑफ NH24। सो गाइज, अगर आप यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर विजिट करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे हमें कॉल कीजिए, हमारी टीम आपको असिस्ट करेगी। एंड उसी के साथ साथ आई विल सी यू इन सम अदर वीडियो। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।